नमस्ते फ्रेंड, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल फेक कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम फिर एक नए टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक अकाउंट और स्टॉक के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल हर व्यापारी जिसके पास रेंज ज्यादा होता है, जैसे चाहे वो कपड़े का काम करे, चाहे वो मेडिकल्स का काम करे, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक का काम करे, हर फील्ड्स में कैटेगरी की यानी मतलब आइटम की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट, अगर ये जो कैटेगरीज है ये अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर ही आप व्यापारी अपने अकॉर्डिंग अपने कैटेगरीज के को जनरेट कर सकता है, जिससे किसी भी स्टॉक को मिलाने में किसी चीज़ को जानकारी रखने में काफ़ी आसान हो जाता है। अगर व्यापारी कपड़े का काम करता है तो भाई वो हर कपड़े का जैसे कलर के हिसाब से कैटेगरी बना ले, या इलेक्ट्रॉनिक का काम करता है तो भाई आइटमों का मॉडल नंबर से कैटेगरी बना ले, मेडिसिनल काम करता है तो बैच नंबर से कैटेगरी बना ले। तो कैटेगरी बनाने से ये फायदा होता है किसी चीज को रिटेल्स आपको कब से खरीदा है, कितना बेचा और कितना बचा हुआ है, ये टोटल एक रिपोर्ट से आप वेरीफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर आइटम एक आइटम की रिपोर्ट को। तो आज स्टूडेंट इसी को जानेंगे टैली में कि स्टॉक कैटेगरी का यूज टैली में मेंटेन करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली में स्टॉक कैटेगरी मेंटेन करने का सही तरीका। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द स्टॉक कैटेगरी। जो डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे है वो स्टॉक कैटेगरी का है, तो उसका डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है। स्टॉक कैटेगरीज ऑफर ए क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम। द एडवांटेज ऑफ द कैटेगरीजिंग आइटम इज दैट यू कैन क्लासिफाई दैट स्टॉक आइटम द बेस ऑन द फंक्शनलिटी टूगेदर अक्रॉस द डिफरेंट स्टॉक ग्रुप विच एनेबल यू टू often report on the alternative or substitute for a stock item. तो चलिए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन कुछ हिंदी में जाने। स्टॉक श्रेणी भी स्टॉक ग्रुप की तरह एक समानांतर वर्गीकरण प्रदान करता है। स्टॉक समूह की तरह स्टॉक श्रेणी को भी कुछ विशेष व्यवहार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसे हम स्टॉक कैटेगरी कहते हैं स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले इसको इस्तेमाल हम लोग टैली में कैसे करना है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे चलते हैं आपके लिए टैली सेक्शन में आपको जाने के लिए। वहाँ पे आपको मिलेगा F2 फंक्शन का इस्तेमाल करना है स्टूडेंट। तो जैसे हम आपके सामने टैली को काम करते हुए चलेंगे, तो ये आपके सामने स्टूडेंट एक पहले हम एक कंपनी बना लेते हैं आपके सामने, एंड कंपनी नाम है स्टॉक कैटेगरी, उसी नाम से बनाते हैं जिस नाम से मुझे काम करना है। मैंने स्टॉक कैटेगरी नाम से स्टूडेंट कंपनी बना दिया, इस कंपनी को मैंने बना के सेव कर दिया। जैसे आप लोग कंपनी बनाते हैं सेम प्रोसेस वही है, और वीडियो को ध्यान से देखते हुए तो सारा कुछ आपको समझ में आता रहेगा। मैंने स्टॉक कैटेगरी नाम से कंपनी स्टूडेंट बना दिया। बनाने के जस्ट बाद आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कहाँ पे जाना आपको, F2 फंक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे F2 फंक्शन जैसे हम प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉरी F11 में जाएंगे, F11 में आपको मिलेगा यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर, यानी इन्वेंट्री फीचर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको दिखा रखा हूँ। तो इन्वेंट्री फीचर जो F2 में होता है तो वहाँ पे आपको जाना है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑप्शन। तो वहाँ पे स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे हम ये आपको नीचे दिख रहा है ना स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑप्शन, वहाँ पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है सेकेंड ऑप्शन इसका मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। तो यहाँ पे आप आइए गोडाउन के नीचे है, एंड पिछली बार सेक्शन में मैंने वीडियो बताया गोडाउन के बारे में बताया था, अभी अगर आपने नहीं देखा होगा तो लिंक में उसका दिया हुआ है डिटेल्स, आप उसको देखिएगा। एंड स्टॉक करेगी यस करने के बाद आप डेटा को सेव करा लीजिए, ये सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद स्टूडेंट जस्ट हमें इस कैटेगरी को कैसे मेंटेन करना कुछ क्वेश्चंस मैं देखूंगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने देना हुआ है, एंड गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर फॉलोइंग आइटम। तो यहाँ पे कैटेगरी में बनाना है, स्टॉक कैटेगरी में दो आइटम मैंने रखा हुआ, एक ही कंपनी का माल है, सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर है C100 है, 100 पीस है और 5400 का है, सैमसंग कलर टीवी है, ये भी आपका क्या नाम है ये 100 पीस है, K25 मॉडल नंबर है, 11500 का। तो ये दो आइटम को अलग अलग कैटेगरी मुझे रखना है, एंड इनको बेचना है टू सोल्ड ऑल आइटम, एंड टू सोल्ड ऑल आइटम, इन सभी माल को एक साथ मुझे स्टूडेंट बेचना है, बेचने के लिए, एंड ये सब किसको बेचना है, प्रभात इलेक्ट्रॉनिक को बेचना है, 2000 प्रॉफिट रख के बेचना है। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन किया जाए, टैली पे आ जाते हैं सीधे। हम सबसे पहले लेजर बना लेता हूँ, जैसे मैं पहले बनाते चल रहा हूँ। लेजर बनाने के लिए मैंने किसको भाई माल किसको खरीदना आपके सामने स्क्रीन पे है, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक्स का माल खरीदना, तो मुझे खन्ना इलेक्ट्रॉनिक का मैंने एक लेजर बना दिया स्टूडेंट। ओके खन्ना
इलेक्ट्रॉनिक। ओके एंटर कर दिया, आपको पता है संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक क्या, सिंडिकेटर्स एंड सब फंक्शन जो खुला हुआ आप बंद कर दीजिएगा, सेव करा लीजिएगा। ओके दूसरा परचेज का लेजर बना लेते हैं, करना क्या करना मुझे परचेज बनाना है, परचेज के अकाउंट में आते हैं स्टूडेंट, परचेज का है आपका परचेज मिल जाएगा, सेव कर लीजिए। इन्वेंट्री वैल्यू फैक्टर आप यस होगा पता ही आपको, ठीक है। दूसरा मुझे प्रभात को बेचना है, प्रभात इलेक्ट्रॉनिक को बेचना है, ये जाएगा सनी रेप्टर्स में, सेव करा लीजिए। एंड सेल्स का लेजर बना लीजिए क्योंकि मैं प्रभात को बेच रहा हूँ, सेल का लेजर बनेगा, सेल का लेजर सेल मिल जाएगा स्टूडेंट, बना के इसको सेव करा लीजिए। यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू यस आएगा। तो ये चार लेजर मैंने स्टूडेंट बना लिया, लेजर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख सकते हैं मैंने चारों लेजर बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इनके बाद स्टूडेंट वापस आइए हम इन्वेंट्री फीचर्स में, इन्वेंट्री फीचर्स में आप स्टूडेंट देख लीजिएगा तो मुझे इन्वेंट्री में क्या बनाना है, सैमसंग कंपनी का माल रखना है और ये मोबाइल नंबर है। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट स्टॉक ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो पहले आपको बताया गया था। तो यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में पता ही क्या करना है आपको है, तो यहाँ पे सैमसंग कंपनी का नाम डाल देते हैं, सैमसंग कंपनी, जैसे आपको पता है कि भाई ग्रुप का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी यानी डायरेक्ट कंपनी से ले जाया जा रहा है, वहाँ सेव कर लीजिए क्वांटिटी यस, बाहर आइएगा स्टूडेंट। एंड कैटेगरी में लिखिए, लिखिए आप यहाँ पे, अब यहाँ कैटेगरी में स्टूडेंट तो हमने दो तरह का कैटेगरी है, अगर सैमसंग के मतलब हमारे मोबाइल के कई सारे मॉडल्स हैं तो हम मॉडल नंबर के हिसाब से सर्च कर सकते हैं कि भाई इतने सैमसंग मोबाइल का C100 मॉडल हमारे पास कितना पीस है, या सैमसंग टीवी का कितना मॉडल है, तो यहाँ पे 25 पीस का मतलब ये K25 कितना मॉडल नंबर है, तो अगर कैटेगरी हिसाब से बनाना है तो यहाँ पे कैटेगरी हिसाब से बनाएंगे हम पहले। तो हम चलिए पहले कैटेगरी हिसाब से बनाते हैं, तो हमारे पास हम ले लेते हैं मॉडल नंबर के लिए, यहाँ से मॉडल नंबर अगर डायरेक्ट या मॉडल नंबर लिख दीजिए या उसका एक सीधे C100 लिख दीजिए जिससे आपको आसानी रहे, C100 यहाँ पर मैंने C100 लिख दिया स्टूडेंट, सेव करा दिया। और दूसरा है, दूसरा मॉडल नंबर क्या था कैटेगरी में डाल दिया मैंने K25, तो यहाँ पे K25 कैटेगरी में डाल दिया स्टूडेंट, ठीक सेव करा लीजिए। वापस आप भरेगा स्टूडेंट, वापस आप यहाँ पे एक आइटम बना लीजिएगा, यहाँ पे ये जो नाम है आइटम पता ही है, यहाँ पूरा लिखा जाएगा जो प्रिंटिंग सेक्शन है आपका, सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर C100 यहाँ पूरा लिखना होगा आपको, तो सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर, मॉडल नंबर क्या स्टूडेंट C100 यहाँ पे दे दिया मैंने C100 एंटर। प्राइमरी किस कंपनी का माल है एंड कौन सा मॉडल नंबर है C100, यहाँ पे कैटेगरी में स्टूडेंट यहाँ से देखिए, यहाँ पे कैटेगरी आ रहा है ना, तो मैंने कैटेगरी में डाल दिया C100 यहाँ डाल लीजिए एंटर। एंड अल्ट्रस यहाँ पे यूनिट बना लीजिएगा पीसेस जैसे आपको पहले बताया गया था, सेव करा लीजिए एंड यू। और दूसरा आइटम फिर उसको बना लीजिए स्टूडेंट, दूसरा आइटम है सैमसंग कलर टीवी मॉडल नंबर है, यहाँ लिख दिया मैंने सैमसंग कलर टीवी आपका है मॉडल नंबर, मॉडल नंबर के स्टूडेंट क्या है K25 है, यहाँ पे मैंने K25 डाल दिया। और प्राइमरी में कंपनी और यहाँ पे कैटेगरी में क्या डाल दिया K25 एंड सेव कर दिया। ये मैंने स्टॉक पूरा बना लिया किससे खरीदना है, अब इसको बिलिंग बनाने के लिए स्टूडेंट आपको पता ही है अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, F9 करना है और एंटर। मुझे किससे खरीदना है, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक्स से, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक चूज कर लिया, यहाँ पे स्पेस दबाएगा स्टूडेंट, क्या खरीदना है सबसे पहले मुझे ये मोबाइल खरीदना है एंटर। मोबाइल आपके पास कितना पीस लेना है स्टूडेंट, 100 पीस लेना है, एक पीस का नाम है 5400, तो यहाँ पे हम 100 पीस ले लेते हैं और एक पीस का नाम 5400 डाल देते हैं, तो टोटल ले लेगा 540,000 का बिल बन गया। और परचेज सेलेक्ट कर लीजिए, दूसरा आइटम मेरे पास क्या है सैमसंग टीवी है, सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने 100 पीस लेना है स्टूडेंट। रेट क्या है इसका देख लीजिए, इसका रेट है 11,500 रुपये का, तो यहाँ पे स्टूडेंट 11,500 रुपये डाल लीजिएगा और सेव करा लीजिएगा सेल, ठीक ये तो मैंने ये आइटम खरीद लिया स्टूडेंट। मान लीजिए मैं बेच भी दे रहा हूँ इसको, एफेट से आपको सेल में बेचना है और मुझे बेचना है किसको है प्रभात को स्टूडेंट, एंटर करते जाइए। और मुझे क्या बेचना है प्रभात को, प्रभात को मुझे 50 पीस मतलब बेचना है, मतलब मैंने करीब 100 पीस था मैंने 50 पीस बेच दिया स्टूडेंट, ओके। और रेट कितने का देखिए, कलर टीवी का जो रेट है स्टूडेंट, वो कलर टीवी का जो रेट है आपका एंड वो आपका रेट है कलर टीवी का है 11,500, तो मैं करीब इसको 14,000 का सेल कर रहा हूँ, एक पीस का नाम 14,000 रुपये, ओके एंड सेल। दूसरा मैंने मोबाइल ले लिया स्टूडेंट, इसको मैंने 50 भेज दिया, मोबाइल का नाम कितना है स्टूडेंट था 5,400, तो मैंने इसको करीब 7,000 रुपये समथिंग में अपने हिसाब से मैंने प्रॉफिट रख के भेज दिया
एंड सेल कर दिया। अब स्टूडेंट अगर रिपोर्ट आपसे पूछा जाए कि भैया मुझे ये बताइए कि कौन सा हमें मॉडल नंबर के हिसाब से बताइए कि K25 हमारे पास कितना पीस बचा हुआ है, तो आपको कैटेगरी की रिपोर्ट से देखना है। तो सीधे आपको देखना है कैटेगरी, देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको जाना होगा इन्वेंट्री बुक में, सॉरी ये देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री, आप स्टेटमेंट में जाएंगे, इन्वेंट्री स्टेटमेंट में आपको कैटेगरी मिलेगा, एंटर करेंगे किस मॉडल नंबर का आपको चाहिए, वहाँ पे जाके एंटर करेंगे, देखिए बता देगा। तो ऐसे जितने भी K25 कितना पीस है, देखिए 50 पीस दिखा रहा है ये, और 50 पीस ये भी दिख रहा है इस टाइम, ठीक है। तो ये फायदा होता है कैटेगरी से कि पूरे रिपोर्ट को आसानी से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से मॉडल नंबर का चीज़ हमारे पास कितना है या कितना पीस पड़ा हुआ है। तो मॉडल नंबर से स्टॉक बनाने में काफ़ी आसानी होती है और चीज़ों को निकालने या सर्च करने में आइटम को बहुत ही आसान हो जाता है स्टूडेंट। तो ये था स्टॉक कैटेगरी का मेंटेन करने का सही तरीका टैली में। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आएगा कि स्टॉक कैटेगरी मेंटेन करने का सही तरीका क्या होता है, किसी भी कंपनी या फर्म का किसी प्रोडक्ट का स्टॉक कैटेगरी कैसे मेंटेन करना चाहिए टैली में। तो वीडियो आपको स्टूडेंट अच्छा लगता है तो अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर कीजिए जो अकाउंट लाइन में काम को शुरुआत करना या शुरुआत करना चाहता है। इस लॉकडाउन में देखा होगा आपने काफी समस्या है जॉब में, हर आदमी को एक एक्सपर्ट अकाउंटिंग की या ऑपरेटर की जरूरत होती है। तो वीडियो हमारा उन्हीं लोग के लिए है जो अकाउंटिंग कर रहे हैं या पहले अकाउंट लाइन में कदम रखना चाहते हैं, तो उनको शेयर कीजिए, काफी उनको मदद मिलेगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगला वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए नमस्कार।